अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने आपा डॉक्टर नौहेरा शेख की अपडेट लेकर। देखिए अपडेट तो मेरे पास में है नहीं, लेकिन है ना बहुत सारे जो बातें हैं जो चल रही हैं, जो न्यूज़ चलाए जा रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपके पास में हाजिर हुआ हूँ कि उसकी जो सही इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दूँ। कि जिस तरीके से एक न्यूज़ चैनल वाले हैं, न्यूज़ चैनल नहीं है, यूट्यूबर है, तो उन्होंने एक न्यूज़ चलाई थी 8 तारीख को या 9 तारीख को कि आपा की जो महाराष्ट्र की लीगल टीम है वो महाराष्ट्र की लीगल टीम आपा से मिली, आपा का मैसेज भी दिए उन्होंने, और फिर उन्होंने एक एग्जिबिट डाले, एग्जिबिट बोल रहा है वो, और फिर उसके बाद में बोल रहा है इंटरिम बेल डाले। तो मैं वो भाई से ये कहना चाहूँगा कि भाई आप कोई भी न्यूज़ चला रहे हो ना तो पहले तहकीक कर लो इस चीज़ की कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है। हो सकता है कि आपको लॉयर्स लोग बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, या जो भी आपका काम है कि आपको तहकीक कर लेना। जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट दिखा के बात करता हूँ तो वैसा ही आप अगर डॉक्यूमेंट दिखा के बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर 1,72,000 लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, और अभी जो कोरोना वायरस की वबा चली है उसके अंदर ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। उसके अंदर ऐसा है कि जितने भी लोग हैं वो आज इतने परेशान हो चुके हैं, ठीक है, पहले ही परेशान थे और अब और ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि काम धंधा सब ठप हो चुका है, और वो लोग रोज़े रख रहे हैं, आपा के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये चीज़ करना और इस तरीके से न्यूज़ देना, तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों के जज्बातों के साथ खेलना होगा। अगर आप तहकीक करेंगे, अगर आप सच्चाई पेश करेंगे, और मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र लीगल टीम जो है अगर उसने बेल डाली है, बेल एप्लीकेशन की है, ठीक है, अगर उसने कुछ एग्जिबिट डाली है, पहली बात तो एग्जिबिट डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं, अगर बेल एप्लीकेशन उन्होंने डाले हैं बॉम्बे हाईकोर्ट में, तो वो खुद आके बयान दे कि हम लोग ने मेडिकल टर्म्स के ऊपर ये डाले हैं, बेल एप्लीकेशन किए हैं। अब कल मैंने वो बंदे का, वो यूट्यूबर का वीडियो देखा, उसके अंदर वो बोल रहा है कि 17 तारीख को आर्ग्यूमेंट था, 16 को ही हो गया, और फिर है ना 16 को ये हुआ कि है ना डॉक्टर लोग की टीम आएगी जांच करने। तो मेरे भाई मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं 8 तारीख को भी गया, जेल विज़िट किया मैंने, मैंने फ़ोटो भी डाला था सारे ग्रुपों में, 9 तारीख को भी विज़िट किया, ठीक है, और मैंने जो है अभी 2 दिन पहले विज़िट किया हूँ, और उसका वीडियो भी डाला हूँ, वीडियो भी बनाया हूँ, वो वीडियो आप देखेंगे आगे चल के मेरे इस वीडियो के अंदर कनेक्ट करूँगा मैं वो वीडियो, तो वो वीडियो में आप देख लेना। जेल को है ना पूरी तरीके से सील कर दिया है, ठीक है, जेल का जो कंपाउंड है ना उसको भी सील कर दिया, बाहर जो एक गेट होता है उसको ताला मार दिए हैं, जो लोग भी अंदर हैं वो अंदर ही रहेंगे, उन लोगों को बाहर आने जाने की कोई अनुमति नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर वो यूट्यूबर जो न्यूज़ चलाए हैं, कल उसने एक न्यूज़ चलाया जिसके अंदर वो कह रहा है डॉक्टर की टीम आके जांच करेगी, तो ये बिल्कुल भी फेक बात है, एकदम बोगस बात है। मैंने पूरी जांच किया हूँ, मैंने पूरा जो ये निकाला हूँ बॉम्बे हाईकोर्ट की लिस्ट जिसके अंदर तमन्ना शेख लॉयर्स हैं, जो जो केस वो हैंडल कर रही है उसके अंदर सिर्फ 2 ही केस दिखा रहा है आपा का, और बाकी सब है ना दूसरे लोगों के केस दिखा रहा है। फ्रेश कोई केस अगर बेल एप्लीकेशन किए हैं तो मैं अपील करूंगा कि ये लोग सामने आए और डॉक्यूमेंट दिखाए हमको कि मेडिकल ग्राउंड्स पे या जो भी ग्राउंड्स पे कोरोना केस के ऊपर इन लोगों ने जो है बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर फाइल किए हैं, और इन लोगों ने जो है खुद आना चाहिए सामने, ना कि किसी यूट्यूबर को खड़ा करके अपनी न्यूज़ ये लोग स्प्रेड करवाते हैं, तो ये तरीका एकदम गलत है। और हमारा तो ये फ़ोन उठाते ही नहीं है, और हमको भी ज़रूरत नहीं है फ़ोन करने की, देख आप तो जानते ही हो मैं आपको फ़ोन भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आप सब गलत सलती न्यूज़ दोगे, आपका काम करने का तरीका भी मैंने देख लिया हूँ इसके लिए। और आप जैसे लोग को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी को राशन नहीं दिला सकते तो ज़मानत क्या दिलाओगे, ठीक है, आप किसी को राशन नहीं दिला सकते हो तो ज़मानत क्या दिलाओगे। तो महाराष्ट्र के अंदर 10 केसेज़ों में से 3 के अंदर डिफ़ॉल्ट हो चुकी है, डिफ़ॉल्ट बेल को भी ये लोग रेगुलर बता के यूट्यूबर के थ्रू चलवाते हैं, डिफ़ॉल्ट बेल मिलती है तो उसको रेगुलर बेल बोल देते हैं अपनी वाहवाही बटोरने के लिए, ठीक है। और देखिए जो भी है ना आपा का, मैंने 2 लॉयरों से बात किया हूँ, बहुत अच्छे प्रोफेशनल लॉयर है, बड़े लॉयर है, नामचीन लॉयर है,
उन लोग की भी वीडियो आपको इस वीडियो के आगे मिलेगी। तो उस वीडियो के अंदर आप देखेंगे मेरी बातचीत उनसे हो रही है और वो लोग किस तरह से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ही होएगा, जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट से ही होएगा। अच्छा, जो लोग समझते हैं कि आपा खुद से होकर नहीं छूटना चाहती हैं, आपा नहीं चाहती हैं कि वो बाहर आए, तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपा ये चाहती कि वो खुद से होकर जेल में रहना चाहती है तो वो सुप्रीम कोर्ट मूव नहीं करते, वो बैठ जाते ये जो मुंबई लीगल टीम है उनके भरोसे बैठ जाते। और फिर आपको तो पता ही है 5-10 साल कितने साल ये लोग खींच लेते केस। देखिए, 3 किस्म के लॉयर होते हैं। एक लॉयर जो होता है वो सीधा क्लाइंट को बोल देता है कि मैं तेरे को इतने टाइम में निकाल दूंगा, जैसे कि हमारे हैदराबाद के लॉयर्स हैं। एक लॉयर होता है जो घसीटते रहता है केस को, और एक लॉयर होता है जो किसी काम का ही नहीं रहता है। ठीक है, मैंने ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसके ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये लोग ऐसे है वैसे, मैं अपना पर्सनल जो व्यू है वो बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल जो मैंने देखा हूँ। 3 किस्म के लॉयर होते हैं। अब मैं इस यूट्यूबर से अपील करूँगा बहुत प्यार से, बहुत एहतराम से, कि भाई देखो 172,000 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो लोग बेचारे बहुत परेशान हैं, आप ये सब मत करो, क्योंकि जेल को पूरी तरह से सील हो गई है। जेल देख लेना आगे के वीडियो में, जेल पूरी तरीके से सील हो गई है, तो कहाँ से वहाँ पर डॉक्टर लोग आएंगे, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। कोई जब 23 मार्च को आपा को मालेगांव से लेकर आए थे कस्टडी में, उसके बाद से ना कोई इंसान मिला है, ना कोई लॉयर जाके मिला है। तो आप किस बेस के ऊपर 8 या 9 तारीख को आपने जो न्यूज़ चलाए, किस बेस के ऊपर आप ये कह रहे हो कि लॉयर्स लोग जाके मिलकर आए और लॉयर लोग आके आपा का मैसेज दिए? हाँ, ये सब ऐसा सब झूठ फैलाना ये अच्छी बात नहीं। 8 तारीख को मैं भी गया था जेल, 9 तारीख को भी गया था, किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं है। लॉयर्स हो, जो स्टाफ मेंबर्स है ना, यहाँ तक के उन लोग वो भी नहीं आ सकते। जिन लोगों को बोला गया है ना, वो लोग अब अंदर ही रहेंगे। और अभी 10 तारीख से पूरी जेल को है ना सील कर दिए हैं, अंदर जो लोग अंदर हैं वो अंदर ही रहेंगे। उनके सब कपड़े लत्ते सब वो लोग ने एक हफ्ते के पूरे मंगा लिए हैं, शिफ्ट खाली वो लोग की चेंज होगी और वो लोग अंदर ही रहेंगे, वो लोग के कॉटेज के अंदर, जेल प्रमाइसिस के अंदर। वीडियो में आप देख लेना, और एक वीडियो में आप देख लेना कि तमन्ना शेख के कितने केसेस हैं। तो बेल एप्लीकेशन अगर उन्होंने फ़ाइल किए हैं मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, तो मैं ये अपील करूँगा कि डॉक्यूमेंट्स हमको बता दे, या डॉक्यूमेंट्स है ना इतने सारे ग्रुपों में हैं वो, तो कोई भी ग्रुप्स के अंदर वो डाल दें, तो हमको एक एश्योरेंस मिल जाएगी कि आप लोगों ने काम किए हैं और आपा का मामला चल रहा है। क्योंकि मुझे लगता है, मैंने जो लॉयर्स लोग से बात किया हूँ, तो मुझे लगता है कि जो है सुप्रीम कोर्ट से ही मामला होने वाला है। ठीक है, अगर आप सच्चे हो तो आप ये चीज़ डाल दो। और आपको अपडेट बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट की वही डेट दिखा रहा है अभी तक के ऑनलाइन, 14 मई की। और देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाली थी जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि 30 अप्रैल तक के इंटरिम ऑर्डर्स जो हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के, वो चले जाएंगे 30 अप्रैल तक के। अब वो बढ़ के देखेंगे आप अपने स्क्रीन के ऊपर, ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 30 अप्रैल तक के था जो 26 मार्च को ये लोग ने ऑर्डर निकाले थे। अब ये ऑर्डर जो है बढ़ के जो है ये 15 जून पे चले गया है, देख लीजिए आप, बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये। ठीक है, तो ये इंटरिम ऑर्डर्स जितने भी हैं, अब ये बंदा बोल रहा है इंटरिम बेल डालें, तो इंटरिम बेल कैसा डालेंगे, मेरे ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे होएगा सारा चीज़ें जो होएगी, तो और फिर ऑनलाइन दिखा भी नहीं रहा है। तो अगर ये लोग ने कोई चीज़ किए हैं, प्रोसीडिंग्स किए हैं, तो हम भी आपा की अपडेट देते हैं, हमको पहला बताइए, हम भी बैठे हैं यहाँ पे अपडेट देने के लिए, हमको बताइए। हमको तो कुछ बताते नहीं है, हमारा फ़ोन भी नहीं उठाते। और ये यूट्यूबर को जो बताते हैं, तो ये यूट्यूबर को जाँच लेना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स देख लेना चाहिए कि किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, तो मैं अपील करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप बनाओ, और ये यूट्यूबर ने जो नेक्स्ट डेट है, कल के वीडियो में नेक्स्ट डेट भी नहीं बताए हैं कि डॉक्टर लोग जांच करके अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करेंगे, नेक्स्ट डेट जो है बेल एप्लीकेशन की कब की है ये भी नहीं बताया, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, देख लीजिए आप। तो इनको जो बताया गया है, इनको जो जैसा बताया गया है ये वैसा बताते हैं बस, और ये अपने ऑन ग्राउंड तहकीक नहीं करते हैं कि सही है या गलत है। तो मैं ये अपील करूँगा, ये गुजारिश करूँगा कि आप ना खुद अपने ग्राउंड लेवल पे जांच करें और फेक न्यूज़ नहीं चलाएं। अगर आपके पास में न्यूज़ है, इनसे लीजिए, डॉक्यूमेंट लीजिए और फिर चलाइए, फिर बोलिए, तो उसके अंदर पब्लिक को इत्मीनान भी होता है कि हाँ भाई
ये सही बात है, ये सही चीज़ है, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर्स है ना वो ये ऑर्डर्स है कि 15 जून तक के इंटरिम ऑर्डर्स जो है वो 15 जून तक के आगे चले गए हैं, पोस्टपोन्ड कर दिए हैं। और 8 तारीख को मैं खुद जेल विजिट किया था, 8 तारीख को कोई मामला हुआ ही नहीं है और ये लोग मिले भी नहीं आपस से। और 23 तारीख से जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से कोई भी लॉयर्स हो या आपा की फैमिली वाला कोई भी आपस से मिला जुला नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी आपको बताने की थी। ये जो 3 वीडियो है ये बहुत अहम है, ये 3 वीडियो ज़रूर देखना आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं BPN न्यूज़ से नुमान कुरैशी, और देख सकते हैं इस वक्त खड़े हैं हम भाईकल्ला जेल के बाहर, और जेल के गेट को है ना सील कर दिया है, पूरी जेल को सील कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ताला लग गया है, गेट के अंदर भी एंट्री नहीं है, मतलब जेल प्रमाइसिस के अंदर जो कंपाउंड था जेल का उसके अंदर भी अभी एंट्री नहीं है। मेरी यहाँ पे अभी ये जो मैडम बैठी हुई है, इनका नाम है माया यादव, इनसे बात हुई है, इन्होंने कहा है कि पूरा जेल जब तक के लॉकडाउन चल रहा है जब तक के जेल को सील कर दिए, और गेट के ऊपर भी आप देख सकते हैं गेट के ऊपर भी ताला लग चुका है। दिखा देते हैं आपको, देखिए ताला लग गया है ये जेल के ऊपर, और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। हम आए थे यहाँ पे नौरा शेख आपा की खैर खैरियत पूछने, वहाँ पे अंदर जेल प्रेमाइसिस के अंदर जो हवलदार रहते हैं वो गेट खोल के हमको बता दिया करते थे कि आपा कैसे है, क्या है क्या नहीं। फिलहाल अभी जो है ये गेट भी बंद कर दिया है तो मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है। और आगे की भी जानकारी आपको देंगे। देखिए कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन बाकी रह गई थी तो मैं वापस रिटर्न आया ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। यहाँ पे माया यादव कांस्टेबल बैठी हुई हैं, उन्होंने हमको बताया। और देखिए यहाँ पर ना तो लॉयर्स मिल सकते हैं आके, और ना ही जो घर के सदस्य हैं जो मुलाकात के लिए आते हैं कैदी के लिए, वो लोग भी नहीं आ सकते जब तक के लॉकडाउन है। और ये जो 8 तारीख का जो मामला है कि लोग ने 8 तारीख को कुछ बेल एप्लीकेशन फाइल किए, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉयर्स लोग आ ही नहीं सकते, मुलाकात हो ही नहीं सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बोगस बात है, ठीक है। और आगे की भी जानकारी आपको देते रहेंगे। देखिए ये बॉम्बे हाई कोर्ट की वेबसाइट है, और इसके अंदर देख सकते हैं आप कि फुल जो एडवोकेट तमन्ना है उसके सारे जितने भी केसेस हैं वो सारे केसेस की डिटेल्स इसके अंदर मौजूद है जो इसने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट पे आप देखेंगे नौहेरा नाना साहेब शेख का है मैटर, जो आपको पता है बेल एप्लीकेशन का है 2008, जो निज़ामपुरा वाला मामला है। दूसरे पे इरफान नासिर अहमद है, तीसरे पे फिर नौहेरा नाना साहेब शेख है जो रिट पटिशन इन लोग ने डाले थे 2455, जो इन लोग ने विड्रॉ कर लिए, डिस्पोज हो गया मैटर। और देख सकते हैं फोर्थ के ऊपर अताउल्ला खान, रमज़ान सलीम, रईस, असगर, आफ्ताब, देखेंगे आप, आपको पूरे इनके केसेस में दिखा देता हूँ। देखिए इसके अंदर ज़रा भी आज का कोई भी मैटर नहीं है। 17 तारीख का जो एक भाई ने न्यूज़ चलाए थे जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि 8 तारीख को इन लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एग्जिबिट फाइल किए हैं, और आज जो है 17 अप्रैल को आर्ग्यूमेंट होना है और फिर बेल का मामला है। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर ये सारे जो केसेस का मैं खोला हूँ, ये सारे केसेस तमन्ना शेख के चल रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। इसके अंदर सिर्फ 2 ही केसेस हैं जो नौहेरा शेख के दिखा रहे हैं, आपको पूरा पेज में ओपन करके दिखा देता हूँ, पूरा पेज देख लीजिए आप। इसके अंदर कहीं भी आपा का मैटर नहीं है बेल एप्लीकेशन का। देखिए 149 पे ख़त्म हो गया, लास्ट जो है वो मोहम्मद इरफान जमील अहमद अंसारी का है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड के ऊपर आपा का मैटर है, नौहेरा नाना साहेब शेख 2008 बेल एप्लीकेशन, और इरफान निसार अहमद शेख
सेकंड पे और थर्ड पे फिर से नौहीरा नाना साहिब शेख जो रिट पटिशन SFIU वाला जो मामला चल रहा था बॉम्बे हाईकोर्ट में वो है। कहीं भी आप देख सकते हैं इसके अंदर कहीं भी आपा का इन लोगों ने 8 मार्च 2020 को इन लोगों ने कुछ भी डाले नहीं है बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर। ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। ये टोटल केसेस जो हैं ये तमन्ना शेख के हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के। तमन्ना शेख इसमें एडवोकेट है। ये जितने भी केसेस दिखा रहा हूँ मैं ये 149 कुछ केसेस है इसके अंदर नहीं है। आप लोग खुद जाके चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अभी आप लोग डिसाइड कीजिए क्या है क्या नहीं। सलाम भाई जी, मैं नुमान बोल रहा हूँ बॉम्बे प्रेस जी। बोलिए, पहचाने? हाँ हाँ बोलो। अच्छा, एक है ना कैदी है पाइकल्ला जेल के अंदर। अच्छा, अंडर ट्रायल में है तो उनको फुरलोक पे लाना है बाहर मेडिकल ग्राउंड्स पे। अच्छा, ये जो कोविड चल रहा है या तो फिर ये जो मेडिकल इश्यूज है उनको हाई डायबिटीज है हाई ब्लड प्रेशर है। हाँ हाँ, तो हो सकता है वो। उसका चार्ज क्या है, किस चीज ने बंद किया है उसको? उनके ऊपर 406 है, 409 है, MPID है, MPID एक्ट है। अच्छा हाँ, और तो 1 महीना 40 दिन जैसा भी जो भी अलाउ कर दे वो तो पेरोल पे आ सकते हैं फिर। तो पेरोल कैसा होएगा, सजा हुई नहीं ना अभी तक। अच्छा, सजा नहीं हुई है ना? नहीं नहीं, अंडर ट्रायल ही है। और उनका कितने दिन से बंद है? उनका वो बंद हुई थी पिछले साल अक्टूबर में। अच्छा, अक्टूबर बोल रहा, अक्टूबर 2018 में। अच्छा हाँ, और केस कहाँ चल रहा है? सेशन कोर्ट में। सेशन में भी चल रहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी चल रहा है। और उनका जो एक है उनको बेल मिल गई है तेलंगाना से। अच्छा। और उनका जो केस है वो SFIU को जाना है। वो चीज को वो लोग ने सुप्रीम कोर्ट भी लेकर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक इंटरिम रिलीफ भी मांगे उन लोगों ने कि स्टे मिल जाए नीचे की जितनी भी स्टेट के अंदर उनके ऊपर अगर वो चल रहे हैं ना उसके ऊपर स्टे लग जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला जाते के साथ ये COVID-19 चाल लग गया तो मामला उनका रह गया। वो भी इसी केस के अंदर है? हाँ, वो यानी के इनके ऊपर जो फ्रॉड का मामला चल रहा है ना वो पूरे इंडिया में चल रहा है। इंडिया में बोले तो कैसा मालूम है, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया। तेलंगाना में से तो क्या नाम क्या है? नाम क्या है ये नौहीरा शेख हीरा गोल्ड वाली? मुश्किल है उसका भाई, मुश्किल है। उनके ऊपर जो है ना वो एक दो मामले नहीं है, कई जगह मामले चल रहे हैं। तो अभी इस वक्त तो बंद है। अगर जब हम करते हैं तो सारे मामले एक जगह इकट्ठे करने पड़ेंगे ना। हाँ, क्योंकि एक में तुमने यहाँ बेल ले लिया तो तेलंगाना में रह जाएगा। तेलंगाना से हो गई है बेल? कहाँ है उसके पेपर, किधर है? पेपर बोले तो मैं मंगा देता हूँ। तेलंगाना से हो गई है। तेलंगाना के जजमेंट को ये लोग ने चैलेंज कर दिए। वहाँ का स्पेशल ऑफिसर और स्टेट ऑफ तेलंगाना का जो ये है ना सरकारी वकील, उन लोग ने उसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। फिर तो इन्होंने भी एक रिट पिटीशन डाले सुप्रीम कोर्ट में कि इनको एक इंटरिम रिलीफ मिल जाए। और जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी केसेस है ना तो ये केस एक डिपार्टमेंट को चले जाए SFIU को। बराबर है, लेकिन इन्होंने डाले है ना सुप्रीम कोर्ट में जी। हाँ, तो जब उसमें डाले हैं पटिशन डाले हैं तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेंगे ना भाई। यहाँ पे नहीं कर सकते, खाली इनके ऊपर जो मामले चल रहे हैं अभी महाराष्ट्र में ही चल रहे हैं। और बॉम्बे हाई कोर्ट से अगर इनको है ना फुरलोक मिल जाती है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो बॉम्बे हाई कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट बढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट, ये बता ना। मेडिकल पे नहीं हो सकता है? नहीं नहीं, अगर चाहे कोई भी मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है तो हाई कोर्ट उसमें हाथ नहीं लगाएगा। और अब ये बीमारी के चलते जो ऑर्डर दिया है अनिल देशमुख ने, हाँ तो वो वही हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट से ही हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट से ही हो सकता है, हाई कोर्ट हाथ नहीं लगाएगा। अच्छा हाँ,
फिर भी एक ट्राई ट्राई मार के देखेंगे। ट्राई कैसे करेंगे बता, वो करने को तो अपन कर सकते हैं, लेकिन एक ही चीज आएगी कि यहाँ की गवर्नमेंट लिख के जब रिपोर्ट आएगी उसकी, यहाँ की गवर्नमेंट लिख के बोलेगी कि भाई या वहाँ का जो है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है एप्लीकेशन। अभी जो है ना कैसर साहब, इनको जो है सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से ही बेल बाकी है। अरे भाई, उन्होंने तुम्हारे जो बेल ऑर्डर है उसको चैलेंज किया है ना सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका भी तो फैसला होना बाकी है ना। जब तक उसका फैसला नहीं होता है तब तक वो रिलीज कैसे होंगी। सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो उच्चतम न्यायालय है, यानी आखिरी वो, हाँ उसके ऊपर कोई भी नहीं है। तो अगर जो कोई भी मसला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट हाथ नहीं लगाएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है। ये स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अच्छा अच्छा, तो इनको फुल लोग यहाँ से नहीं मिल सकती है, नहीं मुश्किल है, वही सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है ना पेंडिंग में है। अच्छा हाँ, ऐसा है ना। तो क्या करना चाहिए अभी, अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग में है तो सुप्रीम कोर्ट से ही होगा मेरे भाई, पैसा खराब करके वक्त खराब करके कोई फायदा नहीं है। अच्छा, और ये जो है ना रिपोर्टेड केस है, रिपोर्टेड मतलब ये कि सबके सामने आया हुआ केस है, और बड़ी मतलब ये कि चीटिंग है इसके अंदर, और हजारों एप्लीकेशन है, हजारों एप्लीकेशन मतलब जो इसमें जो सफर हुए हुए लोग है ना, लोगों को तकलीफ पहुंची है, जिन लोगों का पैसा गया है, एक तो नहीं है हजारों है। तो वो जो है ना मास उसका वो केस है, उसमें जो है ना वो उनको जो है वो हाई कोर्ट हाथ नहीं लगाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पे ना बॉम्बे हाई कोर्ट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपॉइंट कर दिए है, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपॉइंट करने के बाद इनका जो पैसा पड़ा हुआ है अकाउंट में उसको भी बोले के डिसबर्समेंट कर दो, और जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको भी डिसबर्समेंट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दो सब उसके अंदर। तो इसके बाद है ना उनको बेल मिलने की थी यहाँ से बॉम्बे हाईकोर्ट से, लेकिन ये लॉकडाउन हो गया, तो यहाँ से है ना बेल मिल जाती ना बॉम्बे हाईकोर्ट से, तो इनके तकरीबन 10 मामले हैं पूरे महाराष्ट्र में, तो बॉम्बे हाईकोर्ट से मिल जाती ना तो नीचे जो 10 मामले चल रहे हैं जैसे कि नागपुर है, मुरुड है, पुणे, औरंगाबाद, मालेगांव, थाने, मुंबई, तो यहाँ पे सब जगह पे इनको बेल मिल जाती फिर निचली अदालत। अलग अलग नहीं होगा, बॉम्बे हाईकोर्ट क्या करेगा, जितने भी मामला है ना वो सब एक जगह जमा करेगा, और उसके बाद बेल देगा, अलग अलग बेल नहीं होगी। नहीं तो इसने क्या किया, इसने पूरे महाराष्ट्र के कंप्लेनर को एक साथ मर्ज करके वो लोग को बोल दिया ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कि ना ये इनका जो पैसा पड़ा हुआ है अकाउंट में वो डिसबर्समेंट करो, और 44 करोड़ की इनकी प्रॉपर्टी है वो उसको नीलाम करके डिसबर्समेंट करो, और केस जो है वो 37 करोड़ का है, यानी कि इनकी जो अकाउंट में है 21 करोड़ है, 21 करोड़ में से 5 करोड़ जज ने बोला है कि जो तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर भरना है पैसा उसको हटा दो, और 16 करोड़ इधर लेकर आओ, और 44 करोड़ की और इनकी प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी जो है ना पहले नीलाम होगी, लिक्विड करके उसको कर दो। अरे भाई, उसको खरीदने वाला भी तो चाहिए, वो लंबा प्रोसीजर है। अच्छा, एक दो दिन की बात थोड़ी, ये प्रॉपर्टी तुमने दिखाई कि 44 करोड़ रुपए की है, समझे ना, तो ये कोई खरीदेगा तभी तो उसके पैसे कैश होंगे, लोगों को क्या चाहिए, अपना पैसा चाहिए ना, प्रॉपर्टी लोग क्या करेंगे बोलो जी, उसका लंबा प्रोसीजर है बाबू, मुझे मालूम है उस केस के बारे में पूरा। देखो ना जरा, अगर एक आध महीने के लिए 40 दिन के लिए हो सकता है मेडिकल, और ये कोरोना भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मसला है तो यहाँ करके कोई फायदा नहीं है, मेरा क्या है, मुझे तो फीस मिलेगी 1-2 लाख रुपए फीस लेके मैं चढ़ जाऊंगा, लेकिन एक बात बताऊं, मैं भी इंसान हूं बाबा, भी हलाल हराम की तमीज है, कोई मसला अगर जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो हाई कोर्ट को राइट ही नहीं है जो उसमें उंगली डाल सके। अच्छा हाँ, जो फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट से ही होगा।
अच्छा, और सामने वाले गए सुप्रीम कोर्ट गए करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट से ये लोग ले सकते हैं मेडिकल का इनका? हाँ, सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है, फिर लोग ले सकते हैं ना? हाँ, सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, यही बस आपसे बात करनी, अगर यहाँ से हो सकता है तो आप कर दो। यहाँ से नहीं हो सकता है, पैसा बिगाड़ के या वक्त बिगाड़ के फायदा नहीं। अच्छी बात। तुम जैसा मुझे बता रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सामने वाले गए हैं जी कंसिडरेशन ऑफ बेल के लिए, वो जब तक उसका फैसला नहीं होता है तब तक यहाँ से छोड़ेंगे नहीं बोले। सुप्रीम कोर्ट लास्ट स्टेज है अभी। सुप्रीम कोर्ट तो कैसर साहब, जब तक के लॉकडाउन है जब तक ये वो बंद ही रहेगा। हाँ, बंद रहेगा। और ये मसला ऐसा है ना, ये मसला ऐसा है कि ये लॉकडाउन का फायदा उसको मिलेगा नहीं, इस मसले में नहीं मिल सकता है। उसमें क्या किया गया है कि 7 साल से कम की जो सजा है, मतलब ये ऑफेंसेस के अंदर, उनमें जो है ना वो कोर्ट बेल दे रहा है और अंडर ट्रायल वाले को भी दे रहा है ना। वही अंडर ट्रायल की बात कर रहा हूँ, 7 साल की कम की सजा है, अंडर ट्रायल वालों को उसमें दे रहा है। बाकी अगर जो कोई मर्डर है या कोई मतलब ऐसा कोई लंबा जोड़ा चीटिंग का केस है उसमें नहीं दे रहा है, या पोस्को का केस है पोस्को के केस में भी नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या 7 साल से ज्यादा की सजा है उसमें नहीं दे रहा है। अच्छा अच्छा। अभी ये लॉकडाउन तो और बढ़ जाएगा। हाँ, तो बढ़ेगा है ना, लोग जो है ना बढ़ेगा, और मतलब ये है कि ये जून तक ही आएगा। बीच में थोड़ी थोड़ी गैप देंगे, 2-4 दिन की छुट्टी, जून तक ही आएगा। जून के पहले हफ्ते में खत्म होगा जाके, पूरा मई का महीना इसी में जाने वाला है, अप्रैल का महीना इसी में जाने वाला है। मौतें हो रही है ना, मर रहे हैं लोग। अभी ठीक, हाँ ठीक है, ठीक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अमीन भाई, मैं नुमान कुरैशी बोल रहा हूँ, यहाँ भिंडी बाजार से जी। अमीन भाई, ये जो नौहेरा शेख है ना, हीरा गोल्ड वाली जी, तो इसका कुछ हो सकता है फॉर लोग जैसा मेडिकल उसके ऊपर भार ला सकते हैं इसको? नहीं नहीं नहीं, फर्लो जो होता है ना, पेरोल फर्लो जो होता है जी, वो सजा लगने के बाद है वो। अच्छा, अभी ये जो बेल सिर्फ बेल। अच्छा, तो हो सकती है बेल बॉम्बे हाईकोर्ट से? अभी कहाँ से हो सकेगी, क्योंकि अर्जेंट कैटेगरी में उसका नहीं आता है। एक्सट्रीमली अर्जेंट कैटेगरी ही अभी हाईकोर्ट जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस में और क्या बोलते हैं उसको ऑनलाइन जो है ना एप्लीकेशन जो सुन रही है वो सिर्फ एक्सट्रीमली अर्जेंसी में, और इसका नोएडा का एक्सट्रीमली अर्जेंसी में नहीं आते। मेरी उनकी मम्मी से बात हुई है, तो मैंने उनकी मम्मी को बोला कि मैं जरा कोशिश करूं क्या कुछ, तो बोले हाँ करो आप, तो इसके लिए मैं आपको फोन लगा कि कुछ हो सकता है। नहीं, बहुत अच्छा। उसको अरेस्ट होने के बाद, अरेस्ट हो गई वही केस में, और जामीन के लिए वो लोग ने 16 लाख या 32 लाख रुपए भरे हैं वहाँ पे। जी जी, कुछ बात कुछ दम है क्या उसमें? फिर मालेगांव में गए, बोले वो अमीन सोलकर मालेगांव गया था, उसने रिजेक्ट कर, मैं मालेगांव गया ही नहीं था, मुझे केस मालूम ही नहीं मालेगांव का। अभी वहाँ पे जाकर के पता चला कि वहाँ पर भी वो अरेस्ट हो गई। हाँ हाँ हाँ, अभी तो हुई कस्टडी से आई, अभी 23 तारीख। अभी क्या बोलने का, ये सब केस खराब होते जा रहा है। उससे पहले बुल्डाना में कस्टडी हुई, फिर अभी बुल्डाना में मालेगांव दोनों जगह पे उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल रहा था। हाँ हाँ हाँ, बराबर। उसका फायदा दूसरे केसेस में होता था। जी जी जी, बराबर। तो क्या बोलने का अभी, और उसकी वजह से क्या कंप्लेन भी ज्यादा बढ़ते चली गई, फिर टाइम बार हुआ तो बराबर से तो वही होता है। जितना मैं बोला, जितना तुम लंबा करोगे ना उतना वो उसके खिलाफ केसेस, और ये भी सब केसेस जो थे ना वो मैंने सब रुका करके रखा था जी। लोग मेरे से बात करते थे, मैं उनको रुका के रखा था। अब उन्होंने जब देखे कि भाई अमीन सोलकर ये केस में नहीं है, तो हर एक जन ने केस डालना शुरू कर दिया। बराबर है। हाँ, आपके छोड़ने के बाद पब्लिक को थोड़ा भरोसा उड़ गया था। उड़ गया जी जी। अब मैं था तब तक बाकायदा लोग रुक गए थे जी जी। और मैं हर एक को समझा करके रोक करके रखा था, और मैं बोला ये एंटीसिपेटी ये सब ले लेता था, फटाफट महाराष्ट्र का पूरा केस खत्म हो जाता था। जी जी जी। अब नहीं सुनने को तैयार है तो अपन क्या कर सकते जी। बराबर।
ठीक है अमीन भाई, अगर जैसे कुछ हो सकता है तो आप जी बताऊंगा इंशाल्लाह। जी हाँ, मेरा नंबर